आपने कहा सेना का दुरुपयोग राजनीतिक नहीं होगा। ओके, आपके सवाल लेते हैं अभी। आपने कहा सेना का राजनीतिक दुरुपयोग, लिखते हैं कि हम अहिर रेजिमेंट लाएंगे। जब आजम खान बयान देते हैं कि मुसलमानों ने ही सेना में खड़े होकर ये सब काम किए, जबकि उसके पहले तक कभी कोई सेना में गिनने नहीं गया कि कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने मराठे हैं। और जब इनके नेता कहते हैं गुजरातियों की रेजिमेंट नहीं है, तो वो क्या सेना का सदुपयोग होता है राजनीतिक तौर पर? ये पहली बार ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। 2012 के यूपी चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि पुलिस में अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए आरक्षण करेंगे, कर नहीं पाए वो अलग बात है। ये सरकार वो है जिसने यूपीए 1 में, जिसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, जब चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज ने अपोज किया तब इन्होंने विड्रॉ किया था। तो मेरा मानना, और इनकी तारीफ में जो कुछ मैगजीनें कसीदे पढ़ती हैं ना, उसकी एक ऐसी मैगजीन ने, अंग्रेजी की मैगजीन ने अभी पुलवामा में मारे गए शहीद सैनिकों की जातियों के साथ विवरण लिखा था। मेरा यह मानना है भाई, जात पात की आपने बहुत राजनीति कर ली, कुछ तो छोड़ दीजिए, एक सीमा होनी चाहिए। एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आपने बताया